ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन, बाहरी मेडिकल स्टोर आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर इशिता। हाँ क्या हो गया, आओ अंदर। डॉक्टर बत्रो का काम है क्या? नहीं नहीं मैम, मैं वो फाइल देने आई थी। अगर आपको मुझसे कहीं काम होगा तो बताइएगा। क्यों विभा, अंजलि नहीं है? वो लंच ब्रेक पे गई है। मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। That's sweet. Thank you. और कुछ कहा? मैम आपने खाना खाया? खा लिया। क्यों? नहीं वो एक्चुअली मुझे लगा कि सर आएंगे आपके साथ लंच करने। तुमने डॉक्टर इशिता के हस्बैंड को देखा? कितने हैंडसम और डैशिंग है यार। So fit and so smart. मैं तो उनको देखती ही रह गई। Really? मेरे हस्बैंड। हाँ असल में मैं सोच भी रही थी उनको बुलाने का। एक काम करते हैं, उन्हें फोन करके बुला ही लेते हैं। तुम फोन करो उन्हें, उन्हें कॉल करो और उनसे पूछ लो खाना खाया कि नहीं खाया। बुला लो एक बार। आपके हस्बैंड को? हाँ रमन को, मेरे हस्बैंड को। हाँ वो तुम्हारी अंजलि से बात हो रही थी ना कि मेरे हस्बैंड काफी हैंडसम है, तो मैंने सोचा कि अच्छा रहेगा अगर तुम उन्हें बताओ। देखो क्या है कि जो हैंडसम हो उसको बताया जाए तो उसे अच्छा लगता है। नहीं नहीं मैम आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि आपने वो बात सुन ली थी। अरे इसमें सॉरी वाली क्या बात है, मेरे हस्बैंड है हैंडसम तो है, अच्छी बात है ना, आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आई थिंक यू शुड कॉल हिम अप, उन्हें अच्छा लगेगा। सी आई एम वेरी लिबरल। तुम्हारा फोन निकालो ना, मैं तुम्हें नंबर देती हूँ, कॉल हिम। मेरा ये काम शानदार मिला आज। जी सर। उसका भी चेक करूँगा। सर ने तो फोन काट दिया। थोड़ा बिजी होंगे, दोबारा कॉल करते हैं। हेलो। हेलो रमन, आपने लंच किया? क्या? वो मैं एक्चुअली वो आपसे कहना चाहती थी कि आप ना बड़े हैंडसम हो और आप बिल्कुल शाहरुख खान जैसे लगते हो। बकवास बंद कर यार, दिमाग खराब है। कॉलेज जाती हो, स्कूल में हो क्या? शाहरुख खान लगता है हैंडसम। तुम काम करो ना अपना, हैंडसम लगता है ये बोलने के लिए फोन किया तुमने? अरे स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, जिंदगी में कुछ बनो। बकवास कर रही है, शाहरुख खान लगते हैं। ओह गॉड मैम, आपके हस्बैंड तो तोप का गोला है, है ना? मैं ना कहती थी है ही वो ऐसे। देखो आज तुम्हें एक नई सीख मिली है कि ऐसे तोप के गोलों को हैंडल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाइफ बनना पड़ता है। ये लोग ना दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब जाओ ना तो बड़े डेंजरस होते हैं। आई रियली होप एक दिन तुमको एक अच्छा वाला तोप का गोला मिल जाए। तब तक ऐसे वालों को ज्यादा देखना नहीं, हाँ नहीं तो बड़ा रिस्की हो जाता है मामला। ओके अभी तुम भी जाके खाना खा लो। रावण कुमार कितना प्रेडिक्टेबल है, मुझे मालूम था वो ऐसे ही रिएक्शन देगा। आलिया दीदी है? आलिया भाभी अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है, मम्मी जी सो रही थी उस टाइम, मैं यही बताने जा रही थी मम्मी जी को, मम्मी जी की ना तबीयत खराब हो गई। आप रहने दो, मैं बता देती हूँ दादी जी को। ठीक है दादी। दादी कहाँ गई? नीलू दीदी ने तो कहा था अपने कमरे में है, यहाँ भी नहीं। दादी 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 क्या हो गया? आगे खोलो, नीलू दीदी, नीलू दीदी प्लीज मेरी मदद करो। सब बाहर गए हैं। क्या करें हम? मेरा फोन। बेचारी रोशनी फिर किसी प्रश्न पे अटक गई शायद। हाँ रोशनी बताओ अभी दादी की तबीयत खराब है, वो सर पे
ऊपर से गिर गई और सांस अटक रही है पूरी, वो सांस ले नहीं पा रही है, अजीब से अजीब से आवाजें आ रही है मुझे, मैं क्या करूं? क्या 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 बोल रहे हो तुम? कौन कौन है घर पे और तुम्हारे साथ में कौन है? कोई भी नहीं है, बस मैं और नीरू दीदी है। लगता है इन्हें दमा का अटैक आया है। सुनो सुनो मम्मी, मम्मी जी का जो वो बेड साइड है ना, बेड साइड पे जो ड्रॉअर है साइड वाली, ड्रॉअर को खोलो, उसमें कुछ दवाइयाँ रखी है, एक दवाई निकालो, पानी के साथ मम्मी जी को एक गोली दो अभी हाल। हाँ शिमा, अरे मर गई, अरे माँ, दादी मुखो, दादी मुखो। निकल रही तो मम्मी जी के साथ रहना, ठीक है? दादी, दादी मैं हूँ। अरे नीलू, मेरे को क्यों फोन कर रही है? आ गया हूँ मैं। पापा जी, मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी को? तोशी जी, क्या हुआ तोशी जी? तोशी, क्या हुआ? अरे दे दिया। दादा जी आप परेशान मत हो, दादी ठीक हो जाएंगी। मैंने इसी माँ के बताई हुई सारी दवाइयाँ दे दी है इन्हें, बस अब परेशान मत हो, इन्हें हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। अब गाड़ी निकालो दादा जी। मैं अभी गाड़ी निकाल। संतोषी, इधर ना चे। दादी, वो ऐसा क्यों कर रही है? संतोषी, दादी, आगे करो। देखो मैं मधु, दादी, सांस लो दादी। नीलू, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? देखती हूँ पापा जी। जल्दी देख, अरे यहीं तो रखते थे। नीलू, बिली। पापा जी, चाबी तो आलिया भाभी ले गई हैं। आलिया? हाँ। आलिया का मेरा फोन, मेरी गाड़ी भी यहाँ पे नहीं है, दोबारा लेके गया कुछ काम से। आलिया का फोन भी नहीं लग रहा ये। अरे रोमी की गाड़ी की चाबी होगी ना। मी का भाभी भी नहीं है यहाँ पे, योगा क्लास गई है वो। आज सबको जाना था, इसी तक फोन। मुझे नहीं मालूम रमन कैसे हो, मुझे लगता है तो डस्ट एलर्जी हुई होगी या फिर शायद कोल्ड होगा। जो भी रमन, लेकिन हमें जल्दी पहुँचना है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा मम्मी जी को, समझ रहे हो ना आप? रोमी आदि कोई नहीं है घर पे। मुझे ना रोमी को बैंगलोर भेजना नहीं चाहिए था, सब मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है रमन, बस अब जल्दी पहुँचो। लेकिन अभी ट्रैफिक है, घर पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे मुझे। हाँ, ट्रैफिक तो बहुत है रमन। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है पापा जी का, मैं मर्ज कर रही हूँ कॉल। आप पापा से बात करो जी। पापा जी आप कॉन्फ्रेंस पे हैं, रमन भी है साथ में। हाँ इस तरह तेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे लगाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी गाड़ी भी वालियाँ ले गई है और एम्बुलेंस आने को भी बहुत टाइम लगेगा, और ऊपर से आज ऑटो और टैक्सी वालों की स्ट्राइक है। बाला भी अपनी गाड़ी लेकर गया, कैसे लगेगा? मुझे डर है कि तेरी मम्मी को कुछ हो ना जाए। पुत्र, पापा मम्मी को कुछ नहीं हुआ। इशिता तुम घर पहुंचो, मैं डॉक्टर छापरा को लेकर आ रहा हूं। हां रमन, प्लीज प्लीज आप जल्दी लेकर आओ। पापा जी, मम्मी जी को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं, बस हम अभी पहुंच रहे हैं। आलिया का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कहां चली गई ये? गाइस, आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, मेरा स्टमक बहुत फुल हो गया है। इट वाज रियली यम्मी। पर अभी थोड़ा सा और, थोड़ी जगह तो बाकी है पेट में। वेटर, आर यू सीरियस? एक सबसे बड़ा वाला संडे ले आओ। सबसे बड़ा संडे? लिसन, मैं फुल हो गई हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो, वैसे मैंने टाइम नहीं देखा, बहुत लेट हो गया। आई थिंक आई शुड लीव, इट्स टू लेट। प्लीज यार, क्या हुआ आलिया? तूने पहले भी बोला है कि तेरे इन-लॉज एकदम चिल्ड आउट है। अरे रुकना यार, बहुत मजा आएगा। टेल मी आलू, कि तेरे ससुराल में कर्फ्यू टाइम लगा है क्या? 2 घंटे में घर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट मेरे इन-लॉज तो बहुत ही कूल हैं। वो एक्चुअली टाइम बहुत हो गया, मुझे घर जाके डिनर की तैयारी करनी है। बहू रानी। ओ प्लीज, ऐसा सास बहू वाला कोई सीन नहीं है हमारे घर में। वो एक्चुअली घर पे कोई भी नहीं है। So I have to be at home on time. That's it. पता है आलिया, तेरी बात सुन के ना मेरे भी मन से इन-लॉज का डर निकल गया है। That's good. मैंने तो अपने मॉम डैड से कह दिया है कि मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना जिसके मॉम डैड उसके साथ ना रहते हो। पता है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। इनफैक्ट बड़ी फैमिली में रहना ना बहुत मजा आता है।
मैं तो कभी इतनी बड़ी फैमिली में रही नहीं हूँ बचपन से, बट यू नो व्हाट, जब इतने सारे लोग हो ना आपके फैमिली में तो टाइम कैसे बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता। आपको इतना प्यार मिलता है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इट फील्स रियली गुड। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो यम्मी। गाइस अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। सी, अगर एक दिन डिनर के लिए लेट हो जाएगा तो तेरे को कुछ थोड़ी ना कहेंगे। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं घर पे फोन करके बोल देती हूँ। यार मेरा तो फोन डेड हो गया है, अब क्या करूँ? अरे चिल यार आलू, तूने अपनी मेड को तो इन्फॉर्म किया था ना, सो ये हाइपर बहू मत बना, आइसक्रीम खाओ और चिल करो। हाँ रमन, मैं पहुँच गई हूँ, अभी जल्दी से आइए प्लीज। किससे मिलना है आपको? डॉक्टर छाबरा। वो अभी बाहर जा रहे हैं आप। अरे मुझे उससे मिलना है, क्या बाहर जा रहे हैं? रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा ना आपसे रुकिए, वो अभी शादी में जा रहे हैं। अरे मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो शादी की पड़ी है। डॉक्टर साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आई फाउंड। चलिए मेरे साथ, मैं शादी में जा रहा हूँ। क्या तकलीफ पड़ी डॉक्टर साहब? मेरी माँ को अस्थमा अटैक आया, प्लीज बाहर जाओ। जबरदस्ती से नहीं कर सकते, मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा। प्लीज मिलेगी जो भी हो, इस वक्त आप मेरे साथ चलिए। रमन क्या कर रहे हो आप, उनसे प्लीज आराम से बात करो। रमन क्या कर रहे हो आप, हर बात आप गुस्सा क्यों करते हो? आपको समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी जी की जान का सवाल है यहाँ पे? आपके गुस्से से सब कुछ बिगड़ जाता है रमन, अगर मम्मी जी को कुछ भी हुआ ना तो आप जिम्मेदार होगे। डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखिए I'm sorry for the way I behaved, लेकिन मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें कुछ हो गया तो मैं मचा हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरी माँ को देख लीजिए। मैंने आपसे कहा ना आप बाहर जाइए। एक मिनट मुझे बात करने दो। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए मेरी माँ, प्लीज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, डॉक्टर की तबीयत खराब है। काम धाम नहीं सुनो, देखिए आई कैन अंडरस्टैंड, बट हम डॉक्टर्स की भी तो अपनी जिंदगी होती है ना, आप ऐसे जबरदस्ती आके करेंगे तो कैसे चलेगा? आपको पता है होम मिनिस्टर की बेटी की शादी है, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? देखिए मैं यू नो आज तारीख है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, इसलिए मेरी माँ को मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। प्लीज उनके घर पे रखा हुआ है यार, मिनिस्टर साहब की बेटी की शादी तो चलो आ दे, तो कल आप माफी मांग लेंगे, लेकिन मेरी माँ को कुछ होगी तो मैं किससे माफी मांगूंगा? आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चलिए मेरे साथ। ठीक है आपके साथ चलता हूँ, एक मिनट प्लीज। मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। She is out of danger now. मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब इन्हें रेस्ट कर लीजिए। मिस्टर भल्ला, ये महज अस्थमा अटैक नहीं था, एक्चुअली इन्हें कोई एलर्जी हुई है, शायद इन्होंने कुछ खा लिया हो इसी वजह से इन्हें अटैक आया। थैंक गॉड आपने सही समय पे ये टैबलेट्स और ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए पंप लगा दिया। रोशनी थैंक यू सो मच, शुक्र है तुम घर पर थी और तुमने सब संभाल लिया, रियली थैंक्स अ लॉट। रमन डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड एंड थैंक यू सो मच, मैं डर गया था इसलिए। डोंट वरी, आई शुड से थैंक यू टू यू, आपने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सच में बहुत बड़ी बात है कि आप आ गए इस समय पे। आइए मैं आपको शादी तक छोड़ देता हूँ। अच्छा थैंक यू। देखकर मुझे भी घबराहट सी होने लगी थी, इसलिए यहां आके बैठ गया। पुत्र, आज अगर तेरी मां को कुछ हो जाता तो मैं तो इतने साल हो गए हमारी शादी को, एक दिन भी हम एक दूसरे से दूर नहीं रहे, याद है पुत्र? जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हारी मां
तुम लोगों को अपने तुम्हारे नाना के यहाँ लेके जाती थी तो मैं गुस्सा कर देता था। वो बेचारी भी दो तीन दिन में ही तुम लोगों को लेकर वापस आ जाती थी मेरे लिए, जानती है ना, मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता, वो भी मेरे बगैर रह ही नहीं सकती है। लड़ते झगड़ते हंसी मजाक करते इतने साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। देख पुत्र, अगर अगर उसे कुछ हो गया तो पापा पापा मम्मी को कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो मम्मी को देखा है अपने पहलवानों को, पता कुछ होता है कभी, कुछ नहीं होगा पापा, मम्मी को फिलहाल आपको मम्मी के साथ रहना चाहिए, चलिए आइए। अच्छा वो मम्मी जी अब ठीक है, मुझे भी आज ही के दिन जाना था क्या योगा कैंप, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कब, आई एम रियली सॉरी, पता है वहां पे वो सारा दिन फोन ऑफ रखना पड़ता है, नहीं तो आज ये सब ना मैं होने ही नहीं देती सीरियसली। मीका तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? अच्छा हुआ कि रोशनी थी घर पे, यू नो, नहीं तो पता नहीं गड़बड़ हो जाती अक्का। पापा जी बिल्कुल ठीक टाइम पे आए, मम्मी जी के लिए सूप बनाया है, आप अपने हाथों से पिलाइए उन्हें, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ तो सही बात तो है, पापा आपने हमेशा मम्मी को ना लोडेड पिलाया है, अब जाइए सूप पिलाइए मम्मी को, जाएंगे पापा भी देखना मम्मी बिल्कुल ठीक। हेलो एवरीवन, सरप्राइज, देखो सबके लिए क्या लेके आई हूँ, आइसक्रीम। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आइसक्रीम अभी खाएं कि डिनर के बाद खाएं, आई थिंक ना डिनर के बाद ही खाना चाहिए। नीलू दीदी ये आइसक्रीम फ्रीजर में रख दो, बिगल जाएगी। पता है चित्ती, आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, बहुत मजा आया, वहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैंने सोचा कि आप सबके लिए ले आऊं। क्या हुआ आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहाँ गई थी आलिया? रमन अंकल को फोन क्यों नहीं उठाया? कहाँ था फोन तुम्हारा? रमन अंकल अभी तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? I said, why didn't you answer your call? मैं वो बाहर गई थी, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? अम्मा अम्मा बताइए ना क्या हुआ, क्या हुआ दादी को, क्या हुआ, सब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पहले तुम बताओ, अगर आइसक्रीम खाने नहीं चाहती तो कौन सी आफत आ जाती? और कहीं तो कहीं फोन क्यों उठाया तुमने? रमन आप चिल्ला क्यों रहे हो उस पे? मुझे थोड़ी पता था कि मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा नहीं पता था, लेकिन फोन क्यों उठाया? चित्ती 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 बताओ ना दादी को क्या हुआ, वो ठीक है ना? आलिया तुम्हें पता भी है आज मम्मी जी को एस्मा अटैक आ गया और घर पर कोई भी नहीं था, आज टैक्सीज के भी स्ट्राइक है और घर पे सिर्फ एक कार थी जो कि तुम लेकर चली गई थी, और तुम्हारा फोन कहाँ पर है? तुम्हें पता भी है सब लोगों ने तुम्हें इतनी बार कॉल्स ट्राई किए लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पे जीजू डॉक्टर को लेकर आ गए घर, एंड थैंक गॉड कि रोशनी थी, उसने फर्स्ट एड का इंतजाम कर लिया मम्मी जी के लिए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सॉरी चित्ती, एक्चुअली मेरा फोन डेड हो गया था, मेरे पास चार्जर भी नहीं था, मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा मेरी वजह से, रियली सॉरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।